हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दो स्टॉक से रिलेटेड दो स्टॉक से रिलेटेड हमने अभी भी बात करी है उन स्टॉक्स को जाके देख लीजिएगा अच्छे खासे रिटर्न आपको मिल सकते हैं फ्यूचर में एज वेल एज और वो भी शॉर्ट टर्म में अगर बात करें दूसरे इन स्टॉक्स की तो आप यहाँ पर थमलेल में ऑलरेडी देख चुके हैं कि इन किस से रिलेटेड बात कर रहे हैं यहाँ पर बैंकिज और रूट मोबाइल से रिलेटेड वैल्यू बाइंग यहाँ पर नजर आ रही है वैल्यू बाइंग का मतलब क्या होता है कि कम रिस्क हो लो रिस्क हाई रिटर्न का मामला हो वहां पर वैल्यू बाइंग उसे कह देते हैं एक तरीके से एज वेल एज अगर बात करें फंडामेंटली कंपनीज है एक बार देखेंगे कंपनी से रिलेटेड और पर कल की डेट में बनाई थी यहां पर आज की डेट जब मार्केट अच्छी खासी हुई तो यहां पर यही शेयर थे जो भागते हुए दिखाई दिए टेन टेन परसेंट और जो अच्छे जो आप आई टी सोच रहे थे तो आई टी यहाँ पर गिरते हुए दिखाई दिए तो प्लेलिस्ट पर जो गो थ्रू करिए पर इन वीडियो को देखिए सीखिए सीखिए

तो यहाँ पर आज की डेट में भागा कितना है पहले तो वो देख लेते हैं तो आज की डेट में 6.59% पॉइंट परसेंट यहाँ पर जो ये देख रहा है ना तो 6.59% पॉइंट परसेंट यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया है सबसे पहले एज वेल एज यहाँ पर देखे तो शेयर यहां पर गिरा कितना है तो शेयर लगभग लगभग यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसे नीचे ला देता हूँ यहाँ पर hmm, कितना गिरा था उससे रिलेटेड हमें पता चल जाएगी तो लगभग 55 परसेंट शेयर गिर चुका था मोर देन फिफ्टी फाइव परसेंट यहाँ पर शेयर गिर तो गिर चुका था 60, तो 60 के आसपास शेयर गिरने के बाद यहाँ पर 6 परसेंट भागता हुआ दिखाई दे रहा तो अगर वही मैं आपको बता रहा हूँ ना तो एक वैल्यू वही यहाँ पर इस तरीके से आती हुई नजर आती है और जब इस तरीके शेयर गिर जाए अच्छे शेयर गिर जाए जो टू uh, डीएमए के आसपास आ जाए फिफ्टी डीएमए के आसपास यहाँ पर चल रहा है आर की बात करें तो आर भी इसकी तीस के आज नीचे यहाँ पर आ गई थी अट्ठाईस के

एफ एम सी जी की बात करें तो यहाँ पर देखिए देखिएमेंट की जो वैक्सीन, वैक्सीन, एक्षीन, एक्षीन यहाँ पर एस एस बात करें यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग के लिए जो प्रोटीन की जरूरत होती है उसमें भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है तो यहाँ पर इनके रेस्टोरेंट भी है तो यहाँ पर कंपनी अच्छी खासी नजर आती है इसके अलावा बात करें यहाँ पर और भी कुछ चीजें यहाँ पर पढ़ लीजिएगा बट अगर बात करते हैं यहाँ पर मार्केट कैप की देखिए स्मॉल कैप कंपनी स्मॉल कैप कंपनी जब गिरती है तो इसी तरीके से गिरती है बट भागती है तो कैसे भागती है वो मैं आपको दिखा देता हूं देखिए यहां पर पंद्रह सौ रुपए का स्टॉक था कितने पे जाके रुका यहाँ पर थर्टी नाइन रुपए थर्टी नाइन हंड्रेड तक तो कितने दिन में यहाँ पर अगर हम बात करें तो थर्ड ऑफ मे को यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया था और कब तक ये भागा था ट्वेंटी ट्वेंटी जून तक मतलब एक महीना भी नहीं हुआ ओके एक महीने के अंदर अंदर इसने कितने बेहतरीन रिटर्न दे दिए खुद सोच सकते हैं मतलब दुगने से भी ज्यादा यहां पर रिटर्न देते हुए नजर आया था तो ऐसी कंपनी इसी तरीके से भागती है गिरती है तो यहाँ पर गिरावट भी किसी तरीके से हुई है चौबीस जून से लगा के अभी देखे तो चौबीस

उसमें हाइस्ट लेवल नंबर थे अगर प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दिया जस्ट बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके एक्सपेंसेस है जो एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हुए दिखाई दिए इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर नेट प्रॉफिट इनका कम होता हुआ दिखाई दिया बट नंबर यहाँ पर ज्यादा है वो नंबर एक्सपेंसिज थोड़े से कभी कंट्रोल में आ जाएंगे तो ऑब्वियस यही बात है प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा एटलीस्ट यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर प्रॉफिट है इसके अलावा ईयरली बेसिस पर बात करें तो एक ग्रोथ स्टोरी कंपनी बताती है कंपनी बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर ये शेयर भागते हुए नजर

52% के पर गेन है, तो काफी बेहतरीन बैंक में भी इतना आपको रिटर्न नहीं मिलेगा पहली बात और दूसरी बात की अगर हम बात करें तो देखिए एक चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है अगर इस चार्ट पैटर्न की हम बात करें तो यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है फिर इसके बाद यहाँ पर एक हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है और हम इसका विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर बात करें कितना रिटर्न हमें नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर इसके रिजल्ट रिटर्न देख लेते हैं लास्ट टाइम भी हमने इससे रिलेटेड बातें करी थी तो सेम हम यहाँ पर सेम चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है तो इसे उठा के हम यहाँ पर रख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितने इसके रिटर्न आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो टारगेट नज़र आ रहे हैं लगभग सेवेंटी सेवन थाउजेंड के आसपास के नजर आ रहे हैं बट सबसे पहले हम यहाँ पर इस टारगेट के लिए जाएंगे फिफ्टी टू परसेंट सेकेंड टारगेट यहाँ पर ये फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स हंड्रेड के आसपास है जो कि इसका ऑल टाइम हाई है जो कि अचीव होगा सूनर और लेटर तो यहाँ पर इन टारगेट की तरफ सबसे पहले हमें ध्यान देना है तो बैंकिज की तरफ ध्यान दीजिए इसके अलावा एक और कंपनी की बात करते हैं जो कि दिग्गज कंपनी है न्यू लिस्टिंग है ओके okay, ज्यादा टाइम इस कंपनी को मार्केट में हुआ नहीं है बट बात करें यह भी शेयर यहाँ पर क, यहाँ पर करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है मार्केट कैप यहाँ देख लीजिए ये भी स्मॉल कैप कंपनी ही नजर आ रही है अब भी काफी ज्यादा है सेवेंटी थ्री का आर बट काफी बेहतरीन है यहाँ पर और डेट की बात करें यहाँ पर पॉइंट जीरो का ही डेट है ज्यादा डेट भी नहीं है कंपनी करती क्या है आपको ऑलरेडी पता है रूट मोबाइल आई से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म यहाँ पर जो मैसेजेस आपको आते हैं जो वॉइस मेल ई मेल जो आपको आते हैं कंपनीज की तरफ से उसमें ये कंपनी डील करती हुई नजर आती है और उसमें एकमात्र कंपनी है जो यहां पर लिस्टेड है तो यहाँ पर इस कंपनी के बारे में देख लीजिए ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियो बना रखी है और यहां पर आपको ए, उस वीडियो का लिंक दे दूंगा तो यहाँ पर ऊपर जाके और देख लीजिएगा रेवेन्यू देखिए नाइन्टी का रेवेन्यू इनका मैसेजिंग से आता है कॉल सेंटर से थ्री का रेवेन्यू आता है मेजर कस्टमर्स के आर टू मेजर कस्टमर्स से वो कंट्रीब्यूट टेन परसेंट इन फाइव टॉप ट्वेंटी

फोर करोड़ के रिजर्व है बोरिंग यहाँ पर कम होती नजर आ रही है 20 करोड़ की बोरइंग बची है वर्किंग प्रोग्रेस में यहां पर वन करोड़ रुपए पर ज्यादा पैसे वर्किंग uh, प्रोग्रेस में ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं होती इन्वेस्टमेंट की बात करें तेरह करोड़ की इन्वेस्टमेंट है कैश की बात करें फोर करोड़ का कैश भी है जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं हाइएस्ट एवर है नेट यहाँ पर बात करें प्रोमोटर्स की होल्डिंग सेप्टेंबर so सितंबर 2020 में यहां पर थोड़ी सी होल्डिंग यहां पर घटाई थी उसके बाद से यहां पर एक बार और यहां पर पॉइंट फोर परसेंट की घटाई थी इसके बाद एक कंसिस्टेंसी के साथ बने हुए हैं एफ की बात करें एफ आई बात करें सिक्स पॉइंट की डीएस ने बढ़ाई है एफ ने थोड़ी सी यहां पर घटाई है पब्लिक की बात करें पब्लिक के साथ थर्टीन की होल्डिंग है जो कि ज्यादा होल्डिंग नहीं है और बात करें इसमें ऑपरेटर एंड ऑल यहां पर ऑलरेडी यहां पर एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे यहां पर अगर इस कंपनी के थोड़े से चार्ट पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी देखिए न्यू लिस्टिंग

पहुंच जाती है जो कि पहुंचेगी डेफिनेटली तो अगर हम देखें तो कितना परसेंट का यहां पर गेन नजर आता है तो जो कि मुझे नहीं लगता तीन से ज्यादा लगने चाहिए इस, इस ऊपर तो इस, इस भागती है फिर थोड़ा सा गिरावट होती है फिर यहाँ पर इस तरीके से भागती हुई नजर आती है जब जब ये भागती है थोड़ी सी गिरावट होती है फिर दोबारा एक नया हाई बनाते हुए नजर आती है थोड़े टाइम बाद देखिये यहाँ भागी थोड़ा कंसोलिडेट किया फिर यहाँ भागी फिर थोड़ा सा यहाँ पर नीचे गिर के कंसोलिडेट कर रही है फिर भागेगी फिर एक नया हाई बनाएगी फिर गिरेगी तो इस तरीके से यहाँ पर ये इस तरीके से चलता रहा देखिए, यहाँ भागी गिरी थोड़ी सी कंसोलिडेट किया फिर भागी फिर थोड़ी सी गिरी कंसोलिडेट किया फिर एक नया हाई फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन फिर एक नया हाई फिर यहां पर गिरावट हुई तो एक इस बार लंबी गिरावट हुई थोड़ी सी कंसोलिडेशन थोड़ा लंबा था इसके बाद पर फिर एक ऑल टाइम हाई बनाया फिर यहां पर गिर रही है थोड़ा सा कंसोलिडेशन और फिर उसके बाद अलग हाई बनाती हुई नजर तो इस कंपनी का ये, इस तरीके का बिहेवियर है और ये फिफ्टी डीएमए या फिफ्टी डीएमए के आसपास जब भी नीचे आती है तो इस तरीके से यहां पर इसकी एक ग्रोथ स्टोरी शुरू हो जाती है दोबारा यहां पर एक बेगा अपॉर्चुनिटी बन रही है आई एम द बायर इन दिस कंपनी और अगर कल की

गई है एक एक करके देखिए सीखिए नोट्स बनाइए और अच्छा खासा पैसा यहां पर कमाइए थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस।